गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप एमसीक्यू। इस वीडियो में हमने साइंस के जो डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉप एमसीक्यू को जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप जितना भी क्वेश्चन के लिए, जितना भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एंड डिटेल के साथ। पहला क्वेश्चन रहे, जैसे कि पता ही होगा आपको, ये रहे आज की पार्ट एट की क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, इनमें से कौन सी जो कि सही आंसर होगा, जो कि एक वायरल डिजीज है। याद रखिए, ये जो इन्फ्लुएंजा है ना, ये जो कि एक मतलब वायरल डिजीज भी है। COVID-19 भी, ये एक वायरल डिजीज। कॉमन कोल्ड, ये भी एक वायरल डिजीज। यानी ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो कि एक वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा, COVID-19, कॉमन कोल्ड। एंड ये जो इन्फ्लुएंजा है ना, ये जो वायरस, मतलब ये वायरस जो कि फोर टाइप्स की वायरस रहे, इन्फ्लुएंजा फोर टाइप्स की वायरस, मतलब ए बी सी एंड डी, ये फोर टाइप्स की वायरस रहे। एंड बात करें जो बी पर है, COVID-19, जो कि ये 19, ये COVID-19 क्यों रखा गया है, ये 2019 में ही जो कि फैल गई थी, ज़्यादातर इंडिया में फैल थी, इसलिए ये COVID-19 रखी गई है। एंड ये जो COVID-19 जो कि इसका जो वायरस है ना, वायरस के बारे में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मतलब करेंटली ये डिजीज के बारे में रहे तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये है SARS, SARS, SARS-CoV-2। मतलब COVID-19 का वायरस है SARS-CoV-2। यानी इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये जो कि कॉमन, जो कॉमन ये है कोविड 19 जो कि SARS-CoV-2, यानी सर्विस अक्यूट सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। याद रखिएगा, ये COVID-19 एंड इन्फ्लुएंजा की ये फोर टाइप्स की है, ए बी सी डी वायरस। एंड जो सी पर है कॉमन कोल्ड, ये जो कि ये कॉमन कोल्ड जो कि राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड है। सो और भी एक मतलब और भी एक डिजीज रही जो कि वायरल डिजीज वायरस के द्वारा, ये है पारा इन्फ्लुएंजा। आपको पूछे तो पारा इन्फ्लुएंजा, ये भी एक वायरल डिजीज है। पारा इन्फ्लुएंजा जो कि ह्यूमन पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी HPIV, यस, ये HPIV, यानी ये जो कि पारा इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा ये होती है, ह्यूमन पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये एक वायरल वायरस के द्वारा फैलती है। याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा, COVID-19, कॉमन कोल्ड एंड पारा इन्फ्लुएंजा, ये सभी के सभी एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट नंबर 72, HIV। इसका फुल फॉर्म क्या है, HIV स्टैंड फॉर, याद रखिएगा, HIV इसका फुल फॉर्म। एंड आपको HYV इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये आंसर तो ऑप्शन ए होगा, मतलब HIV का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस, ये इज द राइट आंसर। बट आपको HYV आपको पूछे तो इसका फुल फॉर्म है हाई आयल्डिंग वेराइटी, जो कि HYV की फुल फॉर्म है। बट HIV की आपको पूछे तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस एंड HYV जो कि हाई आयल्डिंग वेराइटी, ये जो कि एक क्रॉप होती है हाई आयल्डिंग वेराइटी। नेक्स्ट नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट इंक्लूडिंग ओरल एनल एंड वेजिनल सेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ, ये कौन सी जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि एंड ये फैलती है जो कि सेक्सुअल कंटैक्ट के द्वारा, इंक्लूडिंग ओरल एनल एंड वेजिनल सेक्स के द्वारा। ये है ऑप्शन ए पर है HSV, यानी ये एक जेनिटल हॉर्ट्स है,
HSV यानी जेनेटियल हॉर्प्स एंड भी पढ़ रहे हैं HIV, ये तो आंसर होगा, मतलब ये HIV जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और सी पढ़ रहे हैं HPV। HPV आपको पूछे तो HPV का फुल फॉर्म क्या है, ये है ह्यूमन पापिलोमा वायरस। ह्यूमन पापिलोमा वायरस ये जो कि HPV का फुल फॉर्म है। एंड डी पढ़ रहे हैं हेपाटाइटिस बी, ये कौन से आंसर से होगा, मतलब ये सभी होगा, इसलिए और एक ऑप्शन होने चाहिए था, ये ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस यही आंसर होगा, मतलब इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। ए पढ़ रहे हैं HSV यानी ये एक जेनिटल हॉर्प्स है, एंड बी पढ़ रहे हैं HIV, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HPV ह्यूमन पापिलोमा वायरस, डी पढ़ रहे हैं हेपाटाइटिस बी, ये सभी के सभी जो कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, प्राइमरीली ट्रांसमिटेड होती है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग ओरल एनल एंड वेजिनल सेक्स, ये है HSV HIV HPV एंड हेपाटाइटिस बी। नेक्स्ट नंबर 4, रेबीज इज ए वायरल इन्फेक्शन डिजीज एंड इट इज़ हुई टाइप ऑफ वायरल डिजीज। इंपॉर्टेंट है, ये जो रेबीज है ना ये एक वायरल डिजीज है, ओके, वायरल इन्फेक्शन है डिजीज, एंड इट इज़ विच टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन यानी वायरल डिजीज कौन से टाइप की है जो ऑप्शन में देख रही हो, ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन, ये एक न्यूरल मतलब नर्व सेल को अफेक्ट कर देती है जो रैबिज, एंड ये जो कि डॉग के द्वारा फैलती है, डॉग फॉक्स। सो याद रखिए ये एक न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन है। सो एंड याद रखिए ये जो मतलब और भी उसी तरह न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन भी रहे वो है पोलियोमिलिटिस, वेस्ट नील वायरस, ये भी एक जो कि न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन है एंड ये अफेक्ट पहुंचाती है जो कि स्पाइनल कोड को, पोलियोमिलिटिस एंड वेस्ट नील वायरस स्पाइनल कोड को अफेक्ट कर देती है। सो याद रखिए रैबिज जो कि ये एक वायरल इन्फेक्शन एंड ये एक न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट नंबर 75, रूबेला जिका वायरस एंड CMV, रूबेला एंड जिका वायरस एंड CMV यानी इसका फुल फॉर्म है साइटोमेगालोवायरस इज एन इन्फेक्शन एंड इट इज विच टाइप ऑफ वायरल डिजीज, ये कौन सी टाइप की वायरल डिजीज है, ये जो रूबेला मेले मेले आपको पूछे तो रूबेला जिका वायरस एंड CMV साइटोमेगालोवायरस ये एक डिजीज है, मतलब ये एक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉग्नेंशियल जो कि वायरल इन्फेक्शन ये रूबेला एंड जिका वायरस CMV साइटोमेगालोवायरस। नेक्स्ट नंबर 76, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट ह्यूमन लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज ह्यूमन ब्लड सॉरी ह्यूमन बॉडी नहीं ये ह्यूमन ब्लड होगा बॉडी नहीं ब्लड इज ब्लड में जो लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट ये है ग्लूकोज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज की आपको फॉर्मूला पूछे तो फार्मूला ये है C6H12O6, ये ग्लूकोज की फार्मूला है, एंड शुगर की आपको पूछे तो शुगर की फार्मूला है C12H22O11, ये जो कि शुगर की फार्मूला है ग्लूकोज की C6H12O6। नेक्स्ट नंबर 77, एड्स इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म है ये डी का मीनिंग है ऑप्शन सी से ही होगा डेफिशिएंसी, यानी इसका पूरी फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये नीचे रहे अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है एंड डी का मीनिंग है जो कि डेफिशिएंसी। सो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं नंबर 78, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का मीनिंग क्या है, ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहा है इनमें से सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, सेरिकल्चर का मीनिंग है याद रखिए, जो ऑप्शन ए पर देख रहे हो इसका मीनिंग क्या है, एंड जो बी पर है रेयरिंग ऑफ
रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यही है जो कि सेरिकल्चर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेरिकल्चर सिल्क वर्म के बारे में, एंड इसके बारे में जो कि कल्टिवेट करना, इसके इसे ये सिल्क वर्म कल्टिवेट करना जो कि ये है सेरिकल्चर। एंड जो ए पर देख रहे हो फिश कल्चर, ये है इसका जो इसे पीसी कल्चर कहा जाता है, फिश कल्चर ये है पीसी कल्चर। एंड जो बी पर तो ये रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ये है सेरिकल्चर। एंड जो सी पर देख रहे हो बी कीपिंग यानी हनी बी कीपिंग, ये है एपिकल्चर, हनी बी कीपिंग। एंड डी पर जो देख रहे हो जो कि बाड़ फार्मिंग, बाड़ फार्मिंग आपको तो पता ही होगा, ये है पॉल्यूट्री, पॉल्यूट्री जो कि बाड़ फार्मिंग है। नेक्स्ट नंबर 79, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फास्ट क्लोन्ड एनिमल, इम्पोर्टेंट है, सबसे फास्ट क्लोन्ड एनिमल आपको पूछे तो मतलब ये किसके द्वारा भी बनाया गया था, हमने डिस्कस करेंगे ये, जो कि उनका भी अभी करेंटली डेथ हुआ है मतलब 2023 में, जो कि सितंबर मंथ में 11 सितंबर 2023 में उनका डेथ हुआ है। एंड याद रखिए जो फास्ट क्लोन्ड एनिमल है ये एक सीप है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सीप यानी डॉली, इसका नाम है डॉली, इसका नाम डॉली रखा गया था। सो फ्रेंड ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है ना सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही कम सब भले ही बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसे याद रखिएगा, आपके कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड बहुत ही कम समय में डिस्कस की जाती है, ये है इसका नाम है डॉली, ये जो कि फास्ट वर्ल्ड फास्ट क्लोन्ड एनिमल है, याद रखिएगा। ये जो मतलब और एक याद रखिए जो सीप है ना, मतलब आपको ग्रुप ऑफ सीप आपको पूछे तो ग्रुप ऑफ सीप एंड ग्रुप ऑफ सीप, ये इसका ग्रुप को क्या कहा जाता है एंड इसका ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये सीप का मतलब है जो कि जहाज, ये इसका फुल, ये इसका जो ग्रुप है ये है फ्लीट कहा जाता है, ये एक इंग्लिश की क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए ग्रुप ऑफ सीप आपको पूछे तो ये है फ्लीट कहा जाता है बट ग्रुप ऑफ सीप, ये सीप के आपको ग्रुप पूछे तो ये है फ्लॉक, याद रखिएगा। दो जो ये जो सीप की झुंड होती है उसे फ्लॉक कहा जाता है एंड ये जो सीप की ग्रुप कहा जाता है ये है फ्लिट, ये दोनों के बारे में डिफरेंस याद रखिएगा, हो सकता है इम्पोर्टेंट इसलिए। एंड ये जो डॉली है ना, ये जो कि इन्वेंटेड करवाया गया था जो कि प्रोफेसर सार यान विलमट प्रोफेसर सार अयान विलमट, जो कि ये उनके द्वारा ये डॉली नाम की एक सीप को बनाया गया था, ये एक मतलब आर्टिफिशियल क्लोन्ड एनिमल है, क्लोन एनिमल, याद रखिए। ये जो कि उनका जो डेथ हुआ है यान विलमट, जो कि 79 एज में डेथ हुआ है एंड अभी करेंटली जो कि डेथ हुआ है 11 सितंबर 2023 में, याद रखिएगा सारे जानकारी। बढ़ते हैं आगे नंबर 80, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेमिया अपर ड्यूटी डिफिशियंसी ऑफ अनेमिया कौन से किसके डिफिशियंसी के कारण ये होती है, ये है आयरन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आयरन। और इसलिए जो कि ये अनेमिया मतलब ज़्यादातर फीमेल में भी देखने को मिलता है, और ये जो कि इसलिए जो कि आयरन टैबलेट भी दी जाती है, याद रखिए जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में से आयरन टैबलेट भी दी जाती है, यह आंसर सी से ही होगा, आयरन डिफिशियंसी ये है अनेमिया, याद रखिएगा। एंड और याद रखिए जो अनेमिया है ना ये सिर्फ आयरन डिफिशियंसी नहीं और भी रहे जो कि जो विटामिन B12 इसका डिफिशियंसी से भी जो कि ये अनेमिया देखने को मिलता है, B12 या फिर फोलेट ये और विटामिन B12 एंड विटामिन ए ऑल्सो ये इसका डिफिशियंसी में जो कि ये आयरन डिफिशियंसी के कारण एंड विटामिन B12 ये इसका डिफिशियंसी के कारण भी अनेमिया देखने को मिलता है। सो फ्रेंड आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये रहे, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और सभी के क्वेश्चन के PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस की जाती है और डेली करंट अफेयर भी तो डिस्कस की जा रहा है दोनों दिन के अंदर में।
सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।